हाँ सही है, काम कर रहा है। सही है, हो जाएगा हो जाएगा। 8 लीटर हो गया, 810 कर दीजिए। बस बस और बिल निकाल दीजिए, रोक दीजिए, इसे रोक दीजिए, बढ़ा रहे हैं, गैस बन जाएगा। मैं जानते हैं मनी बैग, मनी बैग इसमें लाखों रुपए नहीं, 2-3 लाख रुपए लेके चलते हैं, किसी से बताना मत। और इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए ये बात, ठीक है? और क्या ही करें, हमको लगता है ना आपसे और उसका कहीं सेटल नहीं चल रहा है ना, वो तोड़ेगा और आप बनाएंगे। हाँ तो इसका मतलब हम ही अंबानी हैं, अंबानी। ये देखिए भैया क्या लगाए हैं, पता है क्या लिखा है? किंग लिखा है। और ये भैया जी का बाइक है, हाँ वो लगा है क्या? लीजिए, जो हम दिखाते हैं इनका भी दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये रहा आगे का वाइजर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग वाम चड़को। हेलो, तो आज भी स्टार्ट हो रहा है वैनम पे, और ये ब्लॉग क्योंकि अक्सर तो मैं घर पे स्टार्ट करता हूँ, और अभी घर पे काम चल रहा है ना पेंट पॉलिश का, तो आपको तो ऑलरेडी ब्लॉग देख चुके होंगे, रूम कराए नहीं, इसका भी हो रहा, हॉल भी हो रहा है। तो अभी क्या जा रहे हैं ना, हम इंडिकेटर लगवाने, टंकी तो फुल कराना है, और जब आते हैं बतियाते रहते हैं, वो भी फोन चला रहा है। हाँ इंडिकेटर लगा दिए, और क्या ही करें, हमको लगता है ना आपसे और उसका कहीं सेटल नहीं चल रहा है ना, वो तोड़ेगा और आप बनाएंगे। हाँ तो इसका मतलब हम ही अंबानी हैं, अंबानी। कोई दिक्कत नहीं है, जब भी बाइक में कुछ प्रॉब्लम होता है तो भैया के पास ले जाते हैं, गगन भैया के पास, क्योंकि ये बाइक पे थोड़ा क्या अच्छे से काम करते हैं, और इनके पास सारा सामान ही मिलता रहता है ना। डबल स्प्रे करिए, वो लगा दीजिए, इंडिकेटर रखे थे ना? हाँ वो लाए हैं, अब बताए, वही तो हम तो भूल गए थे, वो तो आप ही बताए हैं कि एक और बचा था, तो हमने कहा तो फिर खोजे रैक पे चढ़ के, हमने कहा हमारे क्या तो यही होता है नियम, रैक पे फेंका जाता है। अगले साइड उधर का टूटा था ना? हाँ हाँ, नहीं यही टूटा था, हाँ ये टूटा था, तभी तो लगा था। हाँ, दो चीज साथ में लेके चलना चाहिए हरदम। आप सोच हरदम साथ में लेके, हाँ हाँ हम समझ रहे हैं, एक फेविकिक का बांड लेके चलना चाहिए, ठीक है, और एक पेचकस, कब जरूरत पड़े कब काम, सही टूटे जोड़ दो। नहीं नहीं, कमाल की बात तो ये हमको बस याद आ रहा है कि वो तोड़ हो रहा है, कमा आप रहे हैं, तो उसका फायदा कैसे हो रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। हमारा तो समझ लीजिए घाटा हो रहा है। मतलब भी बता रहे हैं अच्छा है ये, तो भैया अभी खोलेंगे, उसके बाद इंडिकेटर लगाएंगे, उसके बाद करना क्या है कि काम रहता है, बस इनको पैसा देना रहता है। लेकिन ऐसा बात नहीं है, काम तो करते हैं, लेकिन अच्छा क्या लगता है पता है, ये मन से करते हैं, दिल से करते हैं, दिमाग से करते हैं, और वो भी करते हैं। बाकी तो समझदार हैं, और कुछ भी ख़राबी होता है तुरंत बनवाते हैं, और इंडिकेटर इसीलिए अभी तुरंत नहीं बनवाए थे ना, क्योंकि घर पे काम चल रहा था, आपको पता है कि दिवाली है तो पेंट का काम तो होना ही होना है, सफाई सुथरा, तो इसलिए टाइम ही नहीं मिला। स्कूटी है जुपिटर, उसी से काम चला रहे थे, सामान वामान उसी में कैरी कर रहे थे, और बाइक से ज़्यादा सामान नहीं चल रहा था, और माइलेज मुझे मिला है 70 का, हाँ सिटी में चला रहे थे ना, तो 70 का माइलेज मिला है, बाकी अच्छा चल रहा है। मतलब वही 700-750-800 का टंकी फुल होता है ना, तो मुझे 400-500-550 चल जाती है, तो इतना बहुत है, अपने को दिखाना नहीं है, अपने को करके दिखाना है, तो अपने हिसाब से चलते रहिए। अब क्या ही मतलब है कि 20 लाख के बाइक लेके मोहल्ला में दिखाना, ऑटो पे दिखाना, रिलेशन में दिखाना, ये सारा बकचोदी हमें अच्छा नहीं लगता है।
अपने को अंदर से मजबूत रहती रहिए, उसके बाद से अगर आप डाउन भी होते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत इसलिए नहीं होगा ना क्योंकि भाई आप अंदर से मजबूत हो, कहाँ ना किसी का लोन है ना किसी से कर्जा है, बस आप जो पैसे कमा रहे हैं वो अच्छे से इन्वेस्ट करते रहिए। क्योंकि दिखाना और करके दिखाना ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं इसका मीनिंग क्या है और इसका अर्थ क्या है। मसल इंडिकेटर लग जाए फिर इसके पास से चलना टेंथ फिल कराएं। अंदर से बहुत गंदा है और ये जो लाइट है ना ये दूसरा है, जब एक्सीडेंट हुआ था ना तो ये नया लाइट लगा है। बाकी देखिए कितना कचरा है, इतना ज़्यादा कचरा है। तो बॉडी खुल चुका है भाई। आप तो हमारे बाइक तो देखते रहते हैं और भैया काम करते हैं हमारे बाइक पे, इनके भी बाइक दिखा देते हैं आपको, बाइक है कैसी तो कमेंट करिएगा, है ना कमाल की चीज़। तो भैया जी का बाइक है तो रेडी लगाएंगे भैया जी। ओहो बहुत सही। तो आपके हिसाब से कितने साल की लग रही है बताइएगा। ई सी बाकी बहुत अच्छी है। देखिए मुझे लगता है कि भौकाल अपनी जगह पे है और सिस्टम को संभालना है तो भाई पहले अंदर से मजबूत हो जाइए और जेब में इतने ताकतवर रखिए। भैया देखिए फॉग लाइट भी लगाए हैं ये छोटी सी वाली। हम हीरो स्प्लेंडर से चलते हैं, टंकी फुल करा के रखते हैं, जैसे ख़त्म होता है भरा देते हैं। यहाँ भी सॉकर लॉक भी हो चुका है और अंदर से मजबूत रहेंगे तो अगर हमें कोई धोखा भी देता है, हमारे साथ चीट भी करता है, जैसे सिंपल में इंडिकेटर टूट गया तो हम तुरंत लगवा लिए। हाँ तुरंत लगवाएं इसलिए क्योंकि हमारे पास, हमें पता है कि लोगों से मांगने से बेहतर है आप करते रहिए और रखते रहिए। तो भाई रियल लाइफ में वही दिखाते चलेंगे जो हमारे साथ होता है और जो हम करते हैं। ये लोन वोन वाला सिस्टम हमको नहीं समझ में आता है, जाइए लोन लीजिए, हाई कराइए, बाइक पे कराइए, फिर लोगों को दिखाइए, मॉडिफाई कराइए, भाई वो सब नहीं है सिस्टम अपना है, अपना कमाओ, जो रियल लाइफ है वही दिखाओ बस, और कुछ नहीं, कोई बैकग्राउंड में छल कपट वाला काम नहीं, जो है वो है। तो है तो जय श्री राम बोलिए। ये रहा जय श्री राम। ये इंडिकेटर लग चुका है देख रहे हैं, ये पुराना वाला है और ये नया वाला है, तो मतलब इस साइड के टूटा था तो इसी साइड नया लगा है। बाकी चाबी तो हम इसी में तोड़ दिए थे, छोड़ दिए थे। हाँ देखिए चल रहा है ना, और ये देखिए रेगुलेटर का, हाँ चल तो रहा है, सही है सही है, गुड गुड बहुत सही। हाँ दिखाइए, अच्छा ये वाली, अच्छा लाइट है कहाँ पर लगा है, अच्छा ये वाली, हाँ सही तो है, नीचे जलेगा। हाँ तो इसका मतलब यही है कि अगर किसी का सोना वोना गिरा रहेगा तो मिल जाएगा तुरंत, अपनी बाइक ब्रेक से है, ब्रेक मारेंगे तो लाइट बढ़ेगा, तो मारेगा ब्रेक, वो ब्रेक मारिए, लाइट तो बता दें किससे जल रहा है, तो ये जल रहा है ब्रेक से, देखें यहाँ देखिए क्लदाब रहे ना, ये देखिए है ना, ये देखिए ब्रेक से, हाँ सही है, रोड क्लियर दिखेगा। टंकी फुल कराने के लिए ना पैसे बचाने पड़ते हैं और बचाने के बाद टंकी फुल कराने पड़ते हैं। लेकिन एक बात बताएं, हीरो स्प्लेंडर से चलते हैं वो मेरे लिए बहुत है क्योंकि ना कभी बाइक ढुकराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बाइक पंचर हो गया तो बात अलग है, लेकिन पेट्रोल को जैसे बाइक ढुकराना पड़े तो टंकी फुल करिए, जीरो कर टंकी फुल करिए, भी निकाल दीजिएगा। हाँ टंकी फुल करा, आपको तो पता ही है, अभी नया है क्या भैया, नया है, अच्छा अच्छा ले रहे हैं, 5 लीटर 6 लीटर चला गया, 7 लीटर चला गया भाई, लग रहा पेट्रोल नहीं था भाई, देखिए 8 लीटर हो सके हो जाए। तो टंकी फुल हो चुका है और 800 रुपये में टंकी फुल हुआ है, देख रहे हैं ना,
टंकी फुल है और हम जान रहे थे कि इसमें फ्यूल कम हो चुका है। फिलहाल अभी जा रहे हैं विशाल भैया घर पे, उनको रिसीव करना है क्योंकि दिवाली का कपड़ा भी लेना है और हमको मोजा भी लेना है, हमको भी कपड़ा ही लेना है। तो पसंद आएगा तो लेंगे, नहीं पसंद आएगा तो नहीं लेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब दिवाली है तो नए ही कपड़े पहने, एक होता है कि अगर मन पसंद मिल गया तो ठीक है, नहीं तो पैसे बच जाएंगे तो बाइक पे लग जाएंगे। और ऐसे भी तो हम बता ही तो दिए हैं कपड़ों पे पैसा नहीं लगाने वाले हैं, अब एक किरदार अच्छा हो जाए, अच्छा फेस बन जाए, उसके बाद से कोई कपड़े पहनेंगे और उसमें ब्रांड दिखने लगेंगे, तो ज़्यादा कपड़े पे पैसा नहीं लगाने वाले हैं। पहले लगाते थे, नॉलेज नहीं था, लेकिन अब लगाना नहीं है। चलिए एडिडास, आपको तो पता ही थे ना मोजा लेना है। और अभी हम मेडिकल वाले रोड पे, बाइक वहाँ रोड पे खड़ी है, पार्किंग है नहीं तो वहीं खड़क की है। मोजा दिखाइए,